Subscribe and press bell icon for new updates. नमस्कार दोस्तों, गोलमाल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एनवीएस की कट ऑफ के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ मैं। एनवीएस की कट ऑफ के बारे में हम सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की 80 प्लस रहेगी और फीमेल स्टाफ नर्स की 72 से 75 प्लस रहेगी। लैब अटेंडेंट की 75 से 80 प्लस रहेगी। और अब बात कर लेते हैं एलडीसी की, तो एलडीसी की यूआर की 70 प्लस रहेगी और ओबीसी की 63 प्लस रहेगी। एससी की 50 प्लस रहेगी, एसटी की 48 प्लस रहेगी। एलडीसी वालों के लिए मेरी एक सलाह है, अगर वो तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग की तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि वो अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि 50 प्लस वालों की सभी को मेरी यही सलाह है, जिनके 50 प्लस हैं वो अपनी टाइपिंग की स्टार्टिंग कर दें, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाएगा उन्हें। तो इसलिए मेरी यही सलाह है कि वो टाइपिंग की तैयारी कर दें। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने भी एलडीसी के बारे में डिटेल में बताया है, तो पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो एक बात मैं आपको बताऊँगा, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो, अगर आप एसटी से हो और आपके 48 हैं, आपके 45 हैं, ये मैंने 48 लिखा है क्योंकि मैं आपको कुछ गलत जानकारी नहीं देना चाहता। अगर आपके 45 प्लस हैं तो आपको भी तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की, ओके। तो टाइपिंग की तैयारी तो मैं 45 प्लस वालों को, एसटी को और जो यूआर, ओबीसी, एसटी, उन सबको 50 प्लस हैं अगर उनके, तो सब अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दें, ओके। जैसा कि मैंने हिंदी ट्रांसलेटर में बताया 18 प्लस वाले, तो 18 प्लस वाले ही 80 से नीचे नहीं रहेगी कभी भी। जैसे मैंने हिंदी ट्रांसलेटर में बताया कि 80 से नीचे नहीं रहेगी, 80 प्लस ही रहेगी हमेशा। और फीमेल स्टाफ नर्स की 72 से 75 रहेगी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। लैब अटेंडेंट की 75 से 80 रहेगी, ओके। और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।